देखिए, आज आप लोग को डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि डेल्टा कनेक्शन को कैसे स्थापित करें। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए कितने बल्ब का ज़रूरत पड़ेगा और किस तरह से कनेक्शन करेंगे उसके बारे में बताते थे। देखिए, आज पहले आपको हम कॉपी पर दिखाते हैं थ्योरी में कि किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो आपको इसके लिए 6 बल्ब ले लेना है, 6 बल्ब लेना है और 2 को सीरीज बना लेना है। तो सबको सीरीज बना लेना है, 2 बल्ब का 2 टर्मिनल होगा ना, इसको क्या करना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना है बल्ब में। यहाँ से एक दे देना है, यहाँ से कर देना है इस तरह से इसको भी कनेक्ट कर देना है सीरीज में। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन कर देना है इस तरह से, 2 तैयार हो गया आपका। एक तरह से यहाँ से कनेक्ट कर देना है इसमें, उसके बाद इधर से आपको ये हो गया। देखिए, तो 2 बल्ब 6 बल्ब लेना है, दोनों को एक सीरीज में लगाना है। आखिर सीरीज में हम 2 बल्ब ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम डेल्टा कनेक्शन जब करते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि आपको 400 वोल्ट लगभग मिलता है। तो 400 वोल्ट अगर आपको मिल रहा है, 400 वोल्ट अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर एक बल्ब को हम 400 वोल्ट दे देंगे, यहाँ पर एक बल्ब रखेंगे तो क्या होगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम सीरीज में 2 को कनेक्ट कर दिए, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, इसको 220 वोल्ट मिल जाएगा और इसको 220 वोल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह से सबको 220 वोल्ट मिल जाएगा और मेरा बल्ब सुरक्षित रहेगा और डेल्टा कनेक्शन को हम स्थापित कर पाएंगे। इसीलिए हमको सीरीज में 2 बल्ब को लेना पड़ गया। क्यों लेना पड़ गया? क्योंकि 440 वोल्ट मिलेगा जैसे ही हम जो कनेक्शन करेंगे, इसमें हमको 2 फेज मिलेगा, एक यहाँ आर देंगे, एक वाई देंगे, यहाँ बी देंगे, यहाँ वाई देंगे। इस तरह से जब कनेक्शन करेंगे तो डायरेक्ट हमको 2 फेज दिया जाना पड़ना पड़ेगा। जब 2 फेज देंगे, इसीलिए हम 2 बल्ब को सीरीज में लिए। एक के लेंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो बल्ब 230 वोल्ट पर डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइन 230 वोल्ट पर है तो कभी भी उसको हम 440 वोल्ट नहीं दे सकते। इसलिए हम 2 को सीरीज में कर दिए। सीरीज में करने के बाद क्या हो गया, 220 इसको मिल गया और 220 इस बल्ब को मिल गया। आप 2 बल्ब से अधिक ले सकते हैं, लेकिन 1 बल्ब कभी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको कनेक्शन करना है। और देखिए, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसको हम देखिए इसमें इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या दे देंगे, R Y B इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें हम कैसे किए हैं, ध्यान रखिए। देखिए, एक बल्ब लिया है, बल्ब को हम क्या किए हैं, इसमें सीरीज में बना दिए हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये बल्ब को हम इसका टर्मिनल से इसमें क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, इसको सीरीज बना लिए हैं। इस टर्मिनल को देखो, इस बल्ब का एक ब्लैक तार हो गया, इसका सीरीज बना लिए हैं। उसी तरह से इसको भी सीरीज बना लिए हैं, ठीक है। इसका जो एक टर्मिनल यहाँ निकला है, देखिए इसका इस तरह से कनेक्शन है, इस तरह से है। सबको क्या किए हैं, सीरीज बना लिए हैं, इस तरह से सीरीज बना लिए हैं और इस तरह से सीरीज बना लिए हैं, सीरीज बना लिए हैं ना। तो सीरीज बनाने के बाद क्या हो गया है, अब इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन हम लोग देखिए, कोई भी इसका एंड पॉइंट, इसका शॉर्ट पॉइंट क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका एक जहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, वहीं पर आपको फेज देना है, आर वाई बी, तीनों फेज में से कोई एक फेज दे देना, आर दे देना, वाई दे देना और बी देना। जहाँ पर हम बल्ब एक दूसरे सीरीज बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर हमको फेज देना है। तो फेज इसमें दे दिए, एक यहाँ पर कर देना है, उसी तरह से इसमें भी करना है, इस तरह से कनेक्ट कर दिए। तो जहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक सीरीज से दूसरे सीरीज बल्ब को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर आपको फेज देना है, R, Y, B तीनों में से तीनों पर दे देना है। एक यहाँ देना है और एक इसमें और एक इसमें। तो R यहाँ दे देते हैं और Y यहाँ दे देते हैं और B यहाँ देते हैं। देख रहे हैं कनेक्शन कैसे किया है, इस तरह से किया है, एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, उसके बाद इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए डेल्टा कनेक्शन बन गया। अब इसमें हम R, Y, B तीनों कनेक्शन देंगे। देखिए तीनों कनेक्शन, देखिए मेरा हो गया रेड, येल्लो और ब्लू। तो तीनों कनेक्शन को देने के लिए पहले हम इस टर्मिनल पर दे देंगे, एक इसमें दे देंगे, इस तरह से कनेक्शन करना है, ये हो गया। इसके बाद येल्लो को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, येल्लो को यहाँ कर दिए कनेक्ट। इसके बाद ये हो गया, तुम आपका एक ब्लू बच गया। जहाँ पर हम जोड़े हैं एक दूसरे सीरीज बल्ब को, वहीं पर हमको कनेक्शन करना है। यहाँ कनेक्ट कर दिए, ये हो गया आपका। तो आप देखिए, हम आर वाई बी तीनों अगर फेज मेरा रहेगा, तीनों अगर फेज मेरा सही से कनेक्शन रहेगा, तो बल्ब पूरे तरह से ग्लो करेगा। अगर एक फेज भी कनेक्शन नहीं आया, तो कोई बल्ब आपको, 2 बल्ब जो होगा कम जलेगा, 1 बल्ब ठीक जलेगा, तो ठीक है। तो देखिए इस,
इस तरह से हम कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद हम देखें थ्री फेज लाइन देखे देख रहे थे, ये मेरा MCB है थ्री पोल का। उसके बाद आपको लाइन देते हैं, देखिए देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, तीनों बल्ब जो है आपको एक अच्छे से ग्लो कर रहा है, कर रहा है ना, देखिए सब सेम ग्लो कर रहा है। इसी में हम अगर कोई एक फेज को, किसी में एक फेज को हम हटा देंगे, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो एक बार एक फेज को हम हटा के आपको दिखाते हैं, कोई भी एक फेज को किस तरह से ग्लो करता है। देखिए एक फेज को हम हटा दिए हैं, कौन सा रेड वायर को हटा दिए, यानी रेड का कनेक्शन क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। तो क्या होता है, तो देखिए रेड का कनेक्शन काट देने के बाद देखिए देखिए दो बल्ब मेरा ग्लो कम कर रहा है और एक बल्ब, दो बल्ब जो सीरीज में है वो ग्लो ज़्यादा कर रहा है। तो देखिए दो को कम कर रहा है, तो जिस जहाँ कहाँ पर कम करेगा, जिसका कनेक्शन आप छोड़िएगा ना, जिसका कनेक्शन आप हटा दीजिएगा, उसके अगल बगल वाला जो लाइट बल्ब है वो कम ग्लो होगा, बाकी जो दो बल्ब आप लगाए हैं सीरीज में उसका क्या होगा, वो अधिक जैसा जल रहा था वैसा ही जलेगा। क्योंकि ये जो है ना चार बल्ब, ये आपको सीरीज में बन गया है, इसका अलग सीरीज बन गया, देख रहे हैं इस तरह से सीरीज बन गया है, यहाँ से वाई मिल गया है, यहाँ से ब्लू मिल गया है। तो इसके बाद इसमें चार गो हो गया, यानी 400 वोल्टेज को चार भागों में बांट दिया गया है, इसीलिए इस सीरीज बन गया है चारों, देख रहे हैं सीरीज बन गया है ना, तो सीरीज बन गया इसीलिए इसको कम वोल्टेज मिल रहा है, इसको अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से डेल्टा का कनेक्शन होता है, स्टार का भी कनेक्शन आपको हम वीडियो में डाल दिए हैं, वीडियो मेरा चैनल पर जाके देख सकते हैं स्टार कनेक्शन कैसे होता है। तो अगर डेल्टा को स्थापित करना होगा तो आपको 6 बल्ब का ज़रूरत पड़ता है और 2 बल्ब को हम सीरीज में जोड़ेंगे, इस तरह से 3 को बना लेंगे, उस तरह से कनेक्शन कर लेंगे जिस तरह से करना हो, और इस तरह से हम डेल्टा को स्थापित कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद स्टार कनेक्शन को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, स्टार कनेक्शन का वीडियो आपको अवेलेबल है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।